Students, the next topic that we are going to discuss about carboxylic acids is effect of substituents upon acidic strength of aliphatic carboxylic acid. Firstly, we will discuss about aliphatic carboxylic acids. तो बेटा carboxylic acids are acidic. अगर आप एक carboxylic acid नू draw करिए तो आ functional group हुंदा carboxylic acid दे विच और आप लिख सकते हैं अल्फा कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. दिस इज़ अल्फा कार्बन, दिस इज़ कार्बोनिल कार्बन. ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक बिकॉज दे रिलीज एच पॉजिटिव एंड वी गेट दिस कार्बोक्सीलेट आयन. साढ़े को कार्बोक्सीलेट आयन आ जाता. ठीक है राजे, हूँ जिहड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड का मोलीक्यूल आ ये सानू एच पॉजिटिव क्यों दे रहा, बिकॉज दिस ओ एच बोंड इज पोलर. तो जिहड़े पोलर बोंड्स होंदे आ दे आर ऑलवेज द वीक बोंड्स. तो वीक बोंड होण करके ये बहुत ईजीली ब्रेक कर सकता. दिस इज़ हाईली पोलर. वाई दिस इज़ हाईली पोलर? बिकॉज दिस सी ओ ग्रुप इज इलैक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप. दिस इलैक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अट्रैक्ट्स द इलैक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन वाया माइनस आर इफेक्ट. Oxygen becomes electron deficient, it takes up electron density from OH bond and this OH bond's whole electron density moves towards oxygen, due to which it is highly polar and can be broken very easily. When it breaks, it releases H positive. That's why carboxylic acids are highly acidic in nature. So carboxylic acid di jehdi acidic strength hai beta, oh jehda pehla factor hai. फर्स्ट फैक्टर अपॉन विच एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिपेंड्स, इट इज पोलैरिटी ऑफ ओ एच बॉन्ड. ये ओ एच बॉन्ड जिन्ना ज़्यादा पोलर होएगा उन्नी जल्दी ब्रेक करेगा एच पॉजिटिव, उन्नी ईजली निकलूगा कार्बोक्सिलिक एसिड, उन्ना ज़्यादा एसिडिक होएगा. तो दूसरा फैक्टर है बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सीलेट आयन. दिस आयन ये जिन्ना ज़्यादा स्टेबल होएगा उन्नी ही इक्विलिब्रियम उन्ना ही राइट साइड नू लाई करेगा, मतलब एच पॉजिटिव दे निकलने की टेंडेंसी उन्नी ज़्यादा होएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड उन्ना ज़्यादा स्ट्रोंग होएगा. केड़े एसिड स्ट्रोंग होंदे आ जिन्हां चो एच पॉजिटिव जल्दी निकलन. ठीक है, हुण एक कार्बोक्सीलेट आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड और इहदियां आ दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंदियां. These two are the resonating structures, and if we draw resonance hybrid, then it will look like this. So this carboxylate ion is actually carboxylate anion. ठीक है, तो आप इसकी stability नू check करना. अगर एक कार्बोक्सीलेट एनायन स्टेबल होएगा तो एच पॉजिटिव जल्दी निकलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल बहुत एसिडिक होएगा एंड वाइस वर्सा. ठीक है, तो दो फैक्टर्स के नाल आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जिहड़ी एसिडिक स्ट्रेंथ आ वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और दोनों फैक्टर्स आप डिस्कस कर. हुण जिहड़े सबस्टीट्यूएंट्स असी लगा रहे हैं, इफेक्ट ऑफ सबस्टीट्यूएंट्स लिखिया. सबस्टीट्यूएंट्स नूं असी या तो अल्फा कार्बन के उपर लगाने या डायरैक्टली कार्बोनिल कार्बन पर लगा देने, इफेक्ट सेम हुंदा वा. तो सबस्टीट्यूएंट साडे कोल दो तरह के होंदे आ, इलैक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स एंड इलैक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स. वी हैव टू टाइप्स ऑफ सबस्टीट्यूएंट्स, इलैक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स जिहड़े इलैक्ट्रॉन दिंदे आ, इलैक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स लैंदे आ. इफेक्ट जिहड़ा इन्हां दा हुंदा वा इज सेम whether attached to alpha carbon or carbonyl carbon. तो हुण आपां इन्हां दा इफेक्ट देखते हैं वारी वारी. इफेक्ट ऑफ इलैक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, जदों इलैक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स लगे आ उदों की होएगा? देखो आ जी जिहड़ा आ, मान लो कि वह एक इलैक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आ, तो इलैक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होने के नाते उन्हें अल्फा कार्बन नूं इलैक्ट्रॉन्स प्रोवाइड किए. अल्फा कार्बन ने अगों यही इलैक्ट्रॉन्स कार्बोनिल कार्बन नूं प्रोवाइड करते,
ठीक है जी। हुण कार्बोनिल ग्रुप जिहड़ा वा ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਡਰੋਇੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਖਿੱਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਤਾਂ ਖਿੱਚਣੀ ਆ ਪਰ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਕਸੀਜਨ ਅੱਗੋਂ ਓ ਐੱਚ ਬੌਂਡ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੂਗਾ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਓ ਐੱਚ ਬੌਂਡ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਗਰੁੱਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਆ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਇਟ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਸਲਾਈਟਲੀ ਲੈਸ ਪੋਲਰ, ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਸਲਾਈਟਲੀ ਲੈਸ ਪੋਲਰ। ਇਹ ਬੌਂਡ ਪੋਲਰ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਘਟਾ ਦੂਗਾ ਤਾਂ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਘੱਟ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਓ ਐੱਚ ਬੌਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਓ ਐੱਚ ਬੌਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਐੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਈਜ਼ਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਆ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੀਏ, ਆਫਟਰ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਫ ਐੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਿਸ ਕਾਰਬੋਕਸੀਲੇਟ ਐਨਾਇਨ ਇਜ਼ ਫੋਰਮਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਿਸ ਕਾਰਬੋਕਸੀਲੇਟ ਐਨਾਇਨ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਅਤੇ ਅਲਫਾ ਕਾਰਬਨ 'ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਗਰੁੱਪ, ਉਹਨੇ ਅਲਫਾ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਿੱਤੇ, ਅਲਫਾ ਕਾਰਬਨ ਨੇ ਕਾਰਬੋਨਲ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ, ਕਾਰਬੋਨਲ ਕਾਰਬਨ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਕਸੀਜਨਸ ਨੂੰ ਦੇਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਕਸੀਜਨ ਐਟਮਸ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਏ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਗਏ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟੈਂਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰਬੋਕਸੀਲੇਟ ਐਨਾਇਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਸਟੇਬਲ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਾਰਬੋਕਸੀਲੇਟ ਐਨਾਇਨ ਹੀ ਲੈਸ ਸਟੇਬਲ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਵਰਡ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਵਰਡ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਊਗੀ ਮਤਲਬ ਐੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੋ ਹੈਂਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਗਰੁੱਪਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦ ਐਸਿਡਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਕਾਰਬੋਕਸਲਿਕ ਐਸਿਡਸ। ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਗਰੁੱਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਐਸਿਡਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਡਰੋਇੰਗ ਗਰੁੱਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਡਰੋਇੰਗ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਉਹਨੇ ਅਲਫਾ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਖਿੱਚੇ, ਅਲਫਾ ਕਾਰਬਨ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ, ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਕਾਰਬਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਡਰੋਇੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਲਫਾ ਕਾਰਬਨ ਨੇ ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਲੈ ਲਏ, ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਕਾਰਬਨ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਐੱਚ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਸ ਬੌਂਡ ਬਿਕਮਸ ਸਲਾਈਟਲੀ ਮੋਰ ਪੋਲਰ, ਇਹਦੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਈ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਓ ਐੱਚ ਬੌਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਐੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬੋਕਸੀਲੇਟ ਆਇਨ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਅਲਫਾ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਖਿੱਚੇ, ਅਲਫਾ ਕਾਰਬਨ ਨੇ ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਲਏ, ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਕਾਰਬਨ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਲਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਘਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਡਿਸਪਰਸਲ ਆਫ ਚਾਰਜ, ਕਿ ਚਾਰਜ ਦਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ, ਫੈਲ ਗਿਆ ਚਾਰਜ, ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚਾਰਜ ਓ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਕਸੀਜਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਕਸੀਜਨਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਡਿਸਪਰਸਲ ਆਫ ਚਾਰਜ ਆਲਵੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਤੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਸਟੇਬਲ। ਤੋ ਜੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਕੁਲੀਬ੍ਰੀਅਮ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੋ ਹੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਡਰੋਇੰਗ ਗਰੁੱਪਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦ ਐਸਿਡਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਕਾਰਬੋਕਸਲਿਕ ਐਸਿਡਸ। ਤੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਵਿਦ ਲੋਜਿਕ ਐਂਡ ਰੀਜ਼ਨ ਆਈ ਹੈਵ ਐਕਸਪਲੇਨ ਟੂ ਯੂ ਆਲ, ਫਾਈਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਜੂਗੀ। ਐਸਿਡਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰ ਲਈਏ,
तो जिदा कि फर्स्ट एग्जाम्पल है, मान लो मेरे को है फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड इज एच सी ओ ओ एच एंड एसिटिक एसिड इज सी एच थ्री सी ओ ओ एच। कार्बोनिल कार्बन ते लगा हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन इज नीदर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नॉर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। एंड इत्थे लगा सी एच थ्री विच इज़ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, एलकाइल ग्रुप है ये। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हमेशा की करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ नू डिक्रीज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नू कार्बोनिल कार्बन के थ्रू ऑक्सीजन ते इनक्रीज कर देंगे, जिदे करके ओ एच बॉन्ड की पोलर नेचर डिक्रीज कर जाती है। मोरओवर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जिहड़े आ उह कार्बोक्सीलेट एनायन नू डीस्टेबलाइज करते हैं, जिदे करके एच पॉजिटिव का रिलीज कार्बोक्सिलिक एसिड के मोलीक्यूल चो डिफिकल्ट हो जाता। तो फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक। जिहड़ी मैं हुणे लाइनस बोलियां वा, तुसीं पेपर च यही एक्सप्लेनेशन लिखनी है सारी सेम इस तरीके दे नाल। दैन नैक्सट वी कैन कंपेयर अल्फा क्लोरोएसिटिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज सी एच थ्री सी ओ ओ एच। अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड का मतलब है कि एसिटिक एसिड की अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकल के क्लोरो लग्या हुआ। तो हेयर सी एच थ्री इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इफ दिस सी एल वॉज नॉट देयर देन हेयर इट वुड ऑल्सो बी सी एच थ्री जिहड़ा कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होना सी, लेकिन सी एल इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। माइनस आई इफेक्ट ना हैलोजन आ, तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की करता अल्फा कार्बन पर लग्या तो उन्हें अल्फा कार्बन तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खिंचनी, अल्फा कार्बन ने कार्बन कार्बन तो उन्हें अगों ऑक्सीजन तो, जिदे करके ओ एच बॉन्ड की पोलैरिटी इनक्रीज कर जानी आ। तो इधरले केस च मिथाइल बीइंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीजेज द पोलैरिटी ऑफ ओ एच बॉन्ड, दिस विल बी मोर एसिडिक बिकॉज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हमेशा एसिडिटी इनक्रीज करते हैं। नेक्स्ट इफ वी कंपेयर फॉर्मिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड इज एच सी ओ ओ एच, बेंजोइक एसिड इज फिनाइल रिंग विद सी ओ ओ एच। हाइड्रोजन ना तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आ, ना ही इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप आ, लेकिन जड़ा आ फिनाइल आ, इस फिनाइल दे बेटा इस मॉलिक्यूल च दो इफेक्ट्स शो हो रहे हैं। एक है माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। दूजा है प्लस आर इफेक्ट मीनस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो जदों भी फिनाइल दे दोनों इफेक्ट्स ऑपरेट करन तां प्लस आर इफेक्ट हमेशा डोमिनेटिंग हुंदा। तो अगर प्लस आर इफेक्ट डोमिनेटिंग है, इहदा मतलब ओवरऑल फिनाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। प्लस आर का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाया रेजोनेंस और वो डोमिनेटिंग है, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर फिनाइल हुण इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आ, तो इन्हें एसिटिक स्ट्रेंथ फिर डिक्रीज ही करना। तो बेंजोइक एसिड इज इवन लैस एसिटिक दैन फॉर्मिक एसिड। रीजन एक्सप्लेन्ड। नेक्स्ट इज एसिटिक एसिड एंड फिनाइल एसिटिक एसिड। सी एच थ्री सी ओ ओ एच। फिनाइल एसिटिक एसिड का मतलब की आ कि एसिटिक एसिड की अल्फा कार्बन पर फिनाइल ग्रुप लग्या होया, ठीक है जी। हुण दिस इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मिथाइल। अगर आ फिनाइल ना हुंदा तो यह भी सी एच थ्री सीगा, यह भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सी, पर हेयर फिनाइल और जड़ा फिनाइल आ, इहदा माइनस आई इफेक्ट आ, इट हैज़ माइनस आई इफेक्ट।
हुण इस मॉलीक्यूल च इहदा प्लस आर इफेक्ट जिहड़ा आ ओ इफेक्ट ऑपरेट ही नहीं कर रहा, इज नॉट ऑपरेटिंग। इहदे च इहदा प्लस आर इफेक्ट ऑपरेट करता, इहदे च इहदा प्लस आर इफेक्ट ऑपरेट नहीं कर रहा। इहदा मतलब हुणे सिर्फ और सिर्फ इलैक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ, इट इज़ ओनली इलैक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इट डज नॉट हैव इलैक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर। तो अगर ये इलैक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ तो इन्हें अल्फा कार्बन तो इलैक्ट्रॉन डेंसिटी खिंच के कार्बनल कार्बन तो खिंच लैनी है, फिर ओ तो खिंच लैनी है, तो ओ एच बॉन्ड की पोलैरिटी इनक्रीज कर जानी है, तो जिदे करके असं कहने कि फिनाइल एसिटिक एसिड विल बी मोर एसिडिक। ठीक है जी, होर अगर आप एग्जाम्पल ले लीए दैन वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ एसिटिक एसिड एंड प्रोपियोनिक एसिड CH3COOH CH3CH2COOH। तो दिस इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग बिकॉज इट इज एल्काइल ग्रुप, दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग बिकॉज दिस इज अगेन एल्काइल, बट इहदा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ज़्यादा बिकॉज दिस इज बिगर एल्काइल, दिस इज इथाइल, दिस इज मिथाइल, इथाइल इज़ अ बैटर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का काम हुंदा एसिडिटी नूं डिक्रीज करना, जिन्ना ज़्यादा वधिया होगा उन्नी वो एसिडिटी नूं डिक्रीज करी जाऊगा, तो दिस विल बी मोर एसिडिक। ठीक है, वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड एंड अल्फा ब्रोमो एसिटिक एसिड। ठीक है, अल्फा कार्बन के उपर क्लोरीन लग्या विच इज़ इलैक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बिकॉज हैलोजन माइनस आई इफेक्ट, आ भी हैलोजन आ माइनस आई इफेक्ट इलैक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बट वी नो कि आ दोनों हैलोजन आ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, डाउन द ग्रुप सीरीज जाती है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो क्लोरीन इज़ मोर इलैक्ट्रोनैगेटिव दैन ब्रोमीन बिकॉज क्लोरीन इज स्मॉलर इन साइज दैन ब्रोमीन। तो अगर क्लोरीन जड़ा आ वो ज़्यादा छोटा होने करके ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिव आ, तो एक स्ट्रोंग इलैक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होएगा, तो एक कंपैरेटिवली वीकर इलैक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होएगा। तो इलैक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम हुंदा वा एसिडिटी नूं इनक्रीज़ करना, तो फिर आ ज़्यादा इनक्रीज़ करेगा क्योंकि ये स्ट्रोंग वाला है, तो दिस विल बी मोर एसिडिक। ठीक है जी, ये सारे एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आ जिन्हों का कंपैरिजन कर रहे हैं। एक कंपैरिजन आप होर कर लिए, वी हैव प्रोपेनोइक एसिड एंड प्रोपीनोइक एसिड। प्रोपानोइक एसिड एंड प्रोपीनोइक एसिड, इन मतलब डबल बॉन्ड आएगा CH3CH2COOH CH2 डबल बॉन्ड CH COOH। ठीक है, प्रोपानोइक एसिड प्रोपीनोइक एसिड, दिस इज अल्फा कार्बन दिस इज अल्फा कार्बन, नो दिस अल्फा कार्बन बिकॉज ये सारे सिंगल बॉन्ड्स आ दिस इज SP3 हाइब्रिडाइज्ड एंड एदा एक पाई बॉन्ड बनया इस करके ये SP2 हाइब्रिडाइज्ड हो गई। एक पाई बॉन्ड बनाने वास्ते एक पी ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड रखना होंदा ना, तो एक पी अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया, बाकी दो ते एक एस हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट करेंगे SP2। हुण जिहड़ी SP2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हुंदी आ ये हमेशा बेटा मोर इलैक्ट्रोनैगेटिव हुंदी आ, दिस इज़ मोर इलैक्ट्रोनैगेटिव एंड दिस इज़ कंपैरेटिवली लैस इलैक्ट्रोनैगेटिव। तो क्योंकि यह मोर इलैक्ट्रोनैगेटिव आ, इहदा मतलब इन्हें कार्बोनिल कार्बन तो इलैक्ट्रॉन डेंसिटी नूं ज़्यादा अट्रैक्ट करना, मोर इलैक्ट्रोनैगेटिव का मतलब इट इज़ बैटर इलैक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलैक्ट्रॉन विड्रॉ भी कर सकती है बिकॉज ये इलैक्ट्रोनैगेटिव ज़्यादा हो चुकी है, आ नहीं
दिस इज इलैक्ट्रॉन रिलीजिंग, दिस इज ऑल्सो इलैक्ट्रॉन रिलीजिंग बट इट रिलीजेज कंपेरेटिवली लैस इलैक्ट्रॉन डेंसिटी बिकॉज ऑफ द इलैक्ट्रोनैगेटिविटी इनक्रीज करगी. इलैक्ट्रोनैगेटिविटी इनक्रीज करके वो इलैक्ट्रॉन्स नू अपने इलैक्ट्रॉन्स नू होल्ड करके रखती है तो ज़्यादा डोनेट नहीं कर पाती. तो वी कैन से दैट दिस ग्रुप जरा आ इथाइल ग्रुप आ दिस इज बैटर इलैक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एंड दिस इथाइलिनिक ग्रुप जरा वा इट इज कंपेरेटिवली अ वीकर इलैक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. तो जिद करके असं कहने कि दिस इज लैस एसिडिक एंड प्रोपीनोइक एसिड इज मोर एसिडिक. ठीक है जी. लास्ट कंपेरिजन अल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड एंड बीटा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड. अल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड बीटा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड CH3CHCOOH. दिस इज अल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड. अल्फा कार्बन दे क्लोरो लग गया एंड दिस इज बीटा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड. क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. हेयर ऑल्सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बट इन बीटा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड क्लोरीन इज अटैच टू बीटा कार्बन विच इज फार अवे फ्रॉम ओ एच ग्रुप. जरा आ वाला ओ एच ग्रुप आ उत्तों काफ़ी दूर आ. ये कंपेरेटिवली क्लोरीन इज अटैच टू अल्फा कार्बन सो इट इज़ कंपेरेटिवली नीयरर टू द ओ एच ग्रुप. तो जिदा जिदा डिस्टेंस इनक्रीज करता जाता उदा उदा इंडक्टिव इफेक्ट का मैगनीच्यूड भी करता जाता. इलैक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिस इज इलैक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट डिक्रीजेज विद द डिस्टेंस. सो वी कैन से दैट क्लोरो प्रेजेंट एट अल्फा कार्बन इज बैटर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दैन क्लोरो प्रेजेंट एट बीटा कार्बन. सो ड्यू टू विच वॉट हैपन्स दैट द ओ एच ग्रुप इज मोर पोलर इन केस ऑफ अल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड एंड लेस पोलर कंपेरेटिवली इन केस ऑफ बीटा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड. हैंस एच पॉजिटिव इज रिलीज मोर इजिली बाई अल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड एंड लेस इजिली बाय बीटा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड. सो दिस इज बेटा ऑल अबाउट द कंपेरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स कंटेनिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस अटैच्ड डायरेक्टली टू कार्बोनिल कार्बन और टू अल्फा कार्बन. दैट्स इट. थैंक यू.